फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं अकेली बैठी थी तो सोचा आप सबसे कुछ कुछ बातें करती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने सारा काम वगैरह कर लिया है और बिस्तर भी फिर से लगा दिया है। ये देख लीजिए, मेरा बिस्तर लग चुका है और रात के बज रहे हैं 8 और मैंने व्लॉग 8 बजे स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी तो मैंने सोचा आप सबसे थोड़ी बहुत बातें करती हूँ। और मैंने खाना भी बना लिया, आप सबको दिखाती हूँ कि खाने में मैंने क्या बनाया है। तो खाने में मैंने इधर चावल बना लिया है और इधर हमारी दाल बन गई है, देख लीजिए। और इधर गिलकी की सब्जी बन रही है। और मैं अकेली हूँ घर पे, काबू बिटिया मेरी चली गई है दुकान पापा के साथ अपने, वो दवाई लेने फ्रेंड्स गई है। और मैं बैठी हूँ, क्या करूँ, इस काम नहीं बस फ्री। और आज मेरा चेहरा फूला फूला सा लग रहा है, आप सब देख कर बताइए कमेंट करके, सच में या मैं ही बोल रही हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी फूली फूली लग रही हैं, आज मैंने बहुत रोया है, इसलिए रोया नहीं है फ्रेंड्स। मैंने प्याज साफ किया है, उधर प्याज रखा था तो उसके छिलके मैंने उतारे तो इतनी लग रही थी, बाप रे बाप, आँख में क्या बताएं, बहुत लग रही थी आँख में। और फिर सब्जी दाल के लिए भी काटा तो उससे भी, और आँख मेरे कैसे हो गए, तो आंसू निकलते निकलते पूरा चेहरा ही सूज गया मेरा और आँख भी सूजी सूजी सी लग रही है। तो या और मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, ये देख लीजिए कितना मोटी हो गई हूँ मैं। पहले मैं दुबली दुबली सी थी और अब मैं बहुत मोटी हो गई हूँ फ्रेंड्स। और मैं आप सबको फोटो दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ और मैंने बहुत संभाल के रखा है ये बहुत सारी चीज़ें, तो आप सबको दिखा रही हूँ मैं। ये पहला नंबर तो मेरी काबू बिटिया की फ़ोटो है, ये देख लीजिए पास से कितनी क्यूट लग रही है मेरी काबू। इसमें ये मैंने बनवाया है जब ये 5 महीने की थी तब, इतनी क्यूट लग रही है। और एक इसमें का ये वाला है, ये देख लीजिए कितनी क्यूट सी लग रही है, गोलू मोटोलू। और आप सबको दिखा दूं ये वाला फोटो, देख लीजिए ये काबू कितनी छोटी सी थी तब इसके पापा, ये मतलब 12 दिन की थी तब इसके पापा आए थे, वही दुकान से आए थे और इसको लेकर फोटो खिंचाया था, तो मैंने मोबाइल में खींचा था, लेकिन अब मैंने इसको इसमें निकलवा लिया है। वो छोटी सी थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फोटो है, ये भी काबू 5 ही महीने की थी। मैं अपने मम्मी के घर गई थी, मेरी आंटी की लड़की की शादी थी तो शादी में मैंने ये तैयार व्यार हुई थी तो इसको काबू को लेकर खिंचाया था फोटो। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है मेरी काबू। ये सारी चीजें मैंने फ्रेंड्स बहुत संभाल के रखा है। और ये देख लीजिए, इसको अभी नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी। और ये देख लीजिए, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये दूसरे नंबर की बहन है, ये सबसे छोटी है। आप लोग देख लीजिए, इसको मैंने बहुत संभाल संभाल के रखा है फ्रेंड्स। और ये मेरा बहुत छोटे का फोटो है, देख लीजिए मैं कैसे दिखती थी और अब कैसी हो गई हूँ। बहुत खराब हो गया है फोटो, लेकिन इसको मैं ठीक करवाने के लिए गांव से ले आई हूँ इस बार। और आप सब देख लीजिए, ये मेरी सासू माँ है, पास से दिखा दूँ, ये मेरी सासू माँ है, ये जो है।
और ये इनके चाचा की लड़की है, देख लीजिए। और ये मतलब मेरी सासू माँ के पापा जी हैं, ये आप तो नहीं रहे, ये वो हैं, और ये मेरे ससुर जी हैं। और अब देखिएगा तो बोलिएगा कैसे हो गए। और ये देखिए, ये मेरा अभी जो आप सबको दिखाया वो वाला, ये सबसे छोटा वाला भाई है मेरा, मतलब एक ही भाई है, छोटा है, कितना छोटा सा था तो काबू जैसा गोल मटोल दिखता था। और ये मेरी छोटी बहन, और ये मेरे चाचा के तीन लड़के हैं, ये लड़का ये लड़की नहीं है। और ये मेरे पापा जी हैं, अरबी के खेती कर रखा था उनने, तो उस साल पापा की बहुत अच्छी खेती हुई थी तो उसमें ये फोटो निकलवाया था उनने, तो मैंने रख लिया ये फोटो। और फ्रेंड्स ये मेरे दादाजी हैं, देख लीजिए मेरे दादाजी को, ये मेरे अंतरिक्ष के इस साल के पिछले साल वाले बर्थडे पे उनने फोटो खिंचवाया था तो मैंने इसको निकलवा लिया था, ये देख लीजिए। और ये अंतरिक्ष है, और ये मेरी दादी जी है। गांव में फ्रेंड्स ऐसे ही पहनते हैं साड़ी, तो दादी ने ऐसे पहन रखा था, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और इसको मैंने पहले से निकलवा लिया था जब मेरे दादाजी थे तभी। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स मैंने संभाल के रखा है। और ये मैं पहली बार यहाँ आई थी, जब मैं गांव से पहली बार इंदौर में आई थी तो मतलब नए साल पे मुझे घुमाने ले गए थे बिजासन, यहाँ पे पहाड़ों पे रहती है माता जी, तो बिजासन लेकर गए थे, तो वहाँ का ये फोटो है, मैं पहले कैसे दिखती थी आप सब देख लीजिए, और अब कैसे हो गई हूँ। तो ये पहले का फोटो है। तो ये सारी चीजें मैंने संभाल के रखा है। और फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताइएगा मैं इस फोटो में कैसी लग रही हूँ। ये देखिए, ये काबू 5 महीने की पेट में थी तब का फोटो है, ये देखिए। तो मैंने ये भी निकलवा लिया था। बहुत दिन का फोटो फ्रेंड्स मैंने रख लिया है निकलवा के, और मैं सोच रही हूँ इसका एल्बम मंगवा के इसमें सारी फोटो में इकट्ठा करके रख दूं। और ये फोटो देख लीजिए फ्रेंड्स, कितनी छोटी सी थी मैं तब का फोटो है, और अब मुझे पहचान नहीं पाओगे कि कौन है ये। ये देख लीजिए, ये मैं सिलाई सीखती थी, बहुत छोटी सी थी तब गई थी, तो वहीं पे ये मतलब प्रमाण पत्र क्या बोलते हैं वही मिलने वाला था, तो पापा खिंचा कर लाए थे। ये देखिए मैं कैसी दिखती थी और कब कैसी हो गई। और ये मेरी काबू बिटिया 2 महीने की हो गई थी तब का फोटो है, इसका फॉर्म भरवाना था लाडली लक्ष्मी योजना में, तो मैंने एक फोटो निकलवाया था, देख लीजिए कैसे दिख रही है, ये बलर आ दिया है, पता नहीं क्यों साफ नहीं दिख रहा, अच्छा देख लीजिए नहीं दिख रहा साफ। तो ये सारी चीजें मैंने इकट्ठा करके रखा है फ्रेंड्स, बहुत सारे फोटो हैं अभी जो मैं आप सबको दिखाऊंगी। और हाँ, और फ्रेंड्स आप सब कमेंट करके बताइएगा कि मैं मतलब बताइएगा तब मैं अपना शादी का वीडियो मतलब फोटो दिखाऊंगी। और शादी का फोटो मैंने यहीं पे रखा है इंदौर में ही, मम्मी ले आई थी तो ये यहीं पर रखा, अगर आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं फोटो निकलवा आप सबको दिखाऊंगी मतलब। तो ये सारी चीजें मैंने रखा था निकाल के संभाल के रखा है, और मैं सोचती हूँ इन सबको एल्बम में रख लूंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इन सब में दाग धब्बे भी लग जाएंगे तो खराब हो जाएंगे। वैसे तो मेरे पास एल्बम नहीं है लेकिन मैं एल्बम खरीद के लाऊंगी।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा छोटा सा ब्लॉग और कैसे लगे फोटो मेरे, कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय। और प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और फ्रेंड्स, और मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और अपनी कृपा से बनाए रखें। बाय बाय, गुड नाइट।